दहेज के दानवों की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि एक सरकारी बैंक की मैनेजर भी दहेज की बलि चढ़ गई। जी हां, मामला जींद के सफीदों का है, जहां एक पीएनबी बैंक की महिला मैनेजर की पानीपत के निजी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि मृतक महिला मैनेजर के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति गंभीर हालत में अपनी पत्नी को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया है। हमें घटना के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई। बता दें कि महिला का पति भी कैनरा बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात है। देर रात पत्नी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर वह फरार हो गया। बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई करने में जुट गई है। आपको बता दें कि मृतक महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, जिसकी एक बेटी भी है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के पति का पूरा परिवार पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार है, लेकिन बावजूद इसके भी दहेज की इतनी भूख पढ़े लिखे परिवार की ओछी मानसिकता ही दर्शाता है। फिलहाल मृतक के परिजनों का घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जब शादी हुई है, पहले दिनों में ही झगड़ा शुरू कर दिया कि फंक्शन बड़ा नहीं किया आप लोगों ने, हमारी हैसियत के हिसाब से फंक्शन नहीं किया, टीवी छोटा दिया, फ्रिज ये दिया वो दिया, छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू कर दिया उसने। फिर कार को लेके झगड़ा शुरू हुआ कि छोटी बेटी को भेजो, कार खड़ी थी वहाँ पे, उसकी बहन वहीं रहती थी, उसने कहा एक एक मिनट पहले, फिर आप बोल लेना पहले उसकी उसकी उनकी बहन है, वो शादीशुदा है, वो अपने मायके में ही रहती है आके, उनका जीजा वो भी वहीं आके रहने लग जाता है, वो पुलिस में है साहब, वो हमें कभी पुलिस की धमकी देता था, कभी हमें गन दिखाता था, मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो उस वही भड़काती थी कि तुम झगड़ा करो इससे, चीज़ें मंगवाओ, कि ये बस ना सके थी उससे बड़ा 5 साल से परेशान थी वो हमारी बहन उसके लिए। और कल भी साहब आप निर्दयता देखिए कि उनको बैंक मैनेजर पढ़ी लिखी साहब, इतने मेडल होंगे नर्सरी से लेके अब तक हमने सारे संभाले हैं, नर्सरी इतने मेडल संभाले हैं सर, उसने हर क्लास में फर्स्ट आई है सर, वो बैंक में मैनेजर थी साहब अपना, अभी वो देखिए आप कल शाम को वहाँ छोड़ के पूछने भी नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं, जिंदा है मर गई, उसको बैंक में हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए हैं वहाँ पे। कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी 2005 साल हो गए साहब। कौन से बच्चे कितने? बच्ची एक बच्ची है, 3 साल साढ़े 3 साल की एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसी ने फ़ोन किया कल। उनके हस्बैंड क्या काम करता है? वो भी बैंक में है सर। वो किस पद पर है बैंक में? वो बैंक में ही मैनेजर है सर, कैनरा बैंक में। ये भी मैनेजर थी साहब। कौन से बैंक में? ये पीएनबी बैंक में थी सर। हाँ जी, क्या नाम? कैनरा बैंक। क्या नाम था इनका? ये हरप्रीत कौर सर, हमारी सिस्टर का नाम है हरप्रीत कौर, और प्रभप्रीत सिंह लड़के का नाम है सर। आपका क्या नाम है सर? भूपिंदर सिंह मेरा नाम है। किस बात को लेकर झगड़ा था इनका? झगड़ा वही था, मांगते रहते थे दहेज, मांगते रहते थे, उसको परेशान करके रखा हुआ था। जब से हमने बेटी की शादी कर रखी है ना, तब से वो जो उनके घर में उनकी बेटी बैठी हुई है ना, उसने उसके नाक में दम करके रखा हुआ था। वो उसने वो ही नहीं उसको बसने दे रही थी, कभी मांग कर रही थी, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, उसने परेशान करके रख दिया था हमारी बेटी को, वो नहीं बसने दे रही थी। इसकी माँ जो माँ वो थी प्रिंसिपल, पर उसकी नीच हरकतें देखो, वो इतना, ये सब लोग मारते थे उसको, इतना टॉर्चर करते थे, वो इतना टॉर्चर करते थे कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ, कितना अगला बंदा कितना दे सकता है, जितना हो सकता था हम लोग देते थे। तब भी ये, कल भी ये चांस हुआ, तब भी उन्होंने वो वहाँ पे हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास इसका वो नहीं है, इलाज नहीं है, फैसिलिटी कुछ नहीं है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पर आके जाके आप इसका इलाज कराओ, वो पूरा साफ कर देंगे, पूरे आपकी बच जाएगी। ये उसको वहाँ पे फेंक के ये चले गए हैं ये लोग, उन बिल्कुल भी उसका वो नहीं किया, ट्रीटमेंट करवाया ही नहीं इन्होंने। इलाज होता तो बच भी सकती, बच सकती थी, बच सकती थी टाइम से। हमें वहाँ से आते आते 3 घंटे लग जाए, हम लोग वहाँ अंबाला से आए हैं, सारी रोड ख़राब है, हमारे भाई यहाँ से दिल्ली से आए हैं, इतने भागते भागते हम लोग वहाँ से दौड़ते आए हैं। क्या दिया गया इनको? ये हमें वो अब पॉइजन दिया गया था, मैं अच्छा वो रिपोर्ट में निकल जाएगा। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हम गिरफ्तारी नहीं हुई, हाँ लापता है बच्ची, उसके पुलिस वालों ने लापता कर दिया, उसकी बच्ची को लेके आओ, अपनी बच्ची कम से कम, उसकी बच्ची अपनी माँ को तो देखे, अपनी माँ का मुंह तो देखे, वो अपनी जाते हुए अपनी माँ को तो देखे, वो
उसकी बच्ची को लेके आओ। हाँ, पुलिस से मांग करते हैं कि अपनी बच्ची को ले, उसकी बच्ची को लेके आओ, अपनी माँ को देखिए, वो उसको भी जाते टाइम अपनी अपनी माँ को पता लगे। दो मिनट पकड़ सकते हैं जी। हाँ, मेरा नाम गुरविंदर कौर। किस बात को लेकर झगड़ा था इनका? झगड़ा वही था, मांगते रहते थे दहेज, मांगते रहते थे, उसको परेशान करके रखा हुआ था। जब से हमने बेटी की शादी कर रखी है ना, तब से वो जो उनके घर में उनकी बेटी बैठी हुई है ना, उसने उसके नाक में दम करके रखा हुआ था। वो ही नहीं उसको बसने दे रही थी। कभी मांग करी थी, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, उसने परेशान करके रख दिया था हमारी बेटी को। वो नहीं बसने दे रही थी। इसकी माँ जो माँ वो थी प्रिंसिपल, पर उसकी नीच हरकतें देखो, वो इतना, ये सब लोग मारते थे उसको, इतना टॉर्चर करते थे, वो इतना टॉर्चर करते थे कि ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, कितना अगला बंदा कितना दे सकता है, जितना हो सकता था हम लोग देते थे। तब भी ये, कल भी ये चांस हुआ, तब भी उन्होंने वो वहाँ पे हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास इसका वो नहीं है, इलाज नहीं है, फैसिलिटी कुछ नहीं है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पर आके जाके आप इसका इलाज कराओ, वो पूरा साफ कर देंगे, पूरे आपकी बच जाएगी। ये उसको वहाँ पे फेंक के ये चले गए हैं ये लोग। उन बिल्कुल भी उसका वो नहीं किया, ट्रीटमेंट करवाया ही नहीं इन्होंने। इलाज होता तो बच भी सकती, बच सकती थी, बच सकती थी टाइम से। हमें वहाँ से आते आते 3 घंटे लग जाए। हम लोग वहाँ अंबाला से आए हैं, सारी रोड ख़राब है। हमारे भाई यहाँ से दिल्ली से आए हैं, इतने भागते भागते हम लोग वहाँ से दौड़ते आए हैं। क्या दिया गया इनको? ये हमें अब पॉइजन दिया गया था। मैं अच्छा, वो रिपोर्ट में निकल जाएगा। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं, हम गिरफ्तारी नहीं हुई, हाँ लापता है बच्ची, उसके पुलिस वालों ने लापता कर दिया। उसकी बच्ची को लेके आओ, अपनी बच्ची, कम से कम उसकी बच्ची, अपनी माँ को तो देखे, अपनी माँ का मुंह तो देखे, वो अपनी जाते हुए अपनी माँ को तो देखे, वो उसकी बच्ची को लेके आओ। हाँ, पुलिस से मांग करते हैं कि अपनी बच्ची को ले, उसकी बच्ची को लेके आओ, अपनी माँ को देखिए, वो उसको भी जाते टाइम अपनी अपनी माँ को पता लगे। 2 मिनट पकड़ सकते हैं जी। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।